मतलब इतना आसान तरीका तो आपने भी नहीं सोचा होगा कि आप इस तरीके से MP4 को MP3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही आसान से मेथड से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी MP4 फाइल दिखा देता हूँ जिसको मैं MP3 में कन्वर्ट करने वाला हूँ। ये देखिए, ये है हमारी MP4 फाइल, ठीक है। अब उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, VLC मीडिया प्लेयर ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए, VLC मीडिया प्लेयर ओपन हो गया। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में मीडिया का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से कन्वर्ट और सेव पर हमें क्लिक कर देना है। तो ये देखिए, ओपन मीडिया का ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमको ऐड पे क्लिक करना है और अपनी MP4 फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये देखिए, ये रही हमारी MP4 फाइल, इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब उसके बाद हमको जाना है नीचे कन्वर्ट एंड सेव पर, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो कुछ ऐसा विंडो आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देखिए दीजिएगा, हमें प्रोफाइल में इसके ठीक सामने फिलहाल यहाँ पे MP3 आपको सेलेक्टेड दिखाई पड़ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर MP3 ना हो तो इस ड्रॉपडाउन पे क्लिक करिए और यहाँ से MP3 हमें सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। MP3 यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें सोर्स देना है जहां पर ये फाइल हम सेव करेंगे। तो ब्राउज पे क्लिक करके हम वापस से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पर हम फाइल का नाम अपने हिसाब से दे देते हैं। मान लीजिए हम इसको MP3 ही दे देते हैं, ठीक है, MP3। उसके बाद यहां से सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बस स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे, ये प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है और ये देखिए, ये हमारी फाइल यहाँ पर सेव होकर के आ गई।